हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम आज 10 से लेकर 13 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर जाकर देखिए, अगर आपको वो हेल्पफुल लगती है तो। ठीक है, देखिए 10 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, यदि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें बार बार उसकी नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है ना। एक बार हम नागरिक बन चुके तो बन गए, ठीक, हमें बार बार नहीं लेना है। जैसे महीने बार फिर हमें लेना है, साल भर के बाद फिर से हमें लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, एक बार नागरिक हम बन गए तो बन गए, उसको बार बार हमें रिन्यू नहीं कराना पड़ता। तो यही आर्टिकल नंबर 10 कहता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाई लॉ। ठीक, क्या कहेगा कि जो सिटीजनशिप पे लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट उस लॉ को रेगुलेट करेगा। ठीक, आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 यह कहता है कि यदि कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट उससे क्षति पहुंचेगी अगर फंडामेंटल राइट को, ऐसा कोई लॉ अगर बनाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिव्यू किया जा सकता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको रिव्यू किया जा सकता है। मेन इसमें सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू कर सकता है और उसको इलीगल भी करार दे सकता है, यही आर्टिकल नंबर 13 बोलता है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, थैंक यू।